नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली क्षेत्र के गाँव बामनहेड़ी में एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खेत पर संघर्ष हो गया। इस दौरान 65 वर्षीय सतवीर की मौत हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गांव बामनहेड़ी में सतवीर व जगदीश पक्ष में जमीनी विवाद चला रहा था। दोनों ही पक्ष जमीन को अपना बताते हैं। सोमवार को दोनों पक्ष खेत पर थे। इस दौरान पेड़ लगाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में सतवीर को ज्यादा चोट आ गई थी। इस बीच जगदीश पक्ष के लोग फरार हो गए। इसके बाद घायल सतवीर को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खेत में भाई साहब हमारे गयोरी खेत में, तो ये भाला वाला लेके जा रहे थे सारे, तो हमारी मम्मी पापा गए होंगे। अब हमें क्या झगड़ा का पता नहीं था। अब उसमें वहाँ पर भाला जगदीश का लंबा सोनू, जगदीश वीर सिंह का लड़का, वीर सिंह की बहू गीता, बबली और अरविंद, इन्होंने सारे लोग वहाँ जाकर मौके पर पहुंचे। तो कितने लोग घायल हैं? हमारे पांच लोग घायल हैं। किसी की मृत्यु भी हुई है? पिताजी की, हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। तो पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस मौके पर पहुंच के सोलह लोग आई। क्या चाहते हैं आप? आज सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में एक बामनहेड़ी गांव से सूचना मिली कि कुछ लोग घायल हैं, वे अस्पताल में हैं। जब पुलिस अस्पताल में पहुंची तो पता चला उनमें से एक सतवीर, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है, वो मृत है एवं उसके दो तीन रिश्तेदार घायल हैं। दूसरे पक्ष जगदीश वो भी घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची। ये जो मामला है ये आपसी विवाद का है जमीन को लेकर। सुबह करीब 8 बजे के आसपास ये घटना हुई है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।